नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होंगे और मैं होप करता हूं कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन, तो आज हम इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं कि क्या है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए, इसको समझने से पहले ना आपको आई बटन पे क्लिक करके एक वीडियो देखना पड़ेगा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कम से कम, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के वीडियो को नहीं देखिएगा तो आपको ये मार्क्सिस्ट अप्रोच नहीं समझ में आने वाला। देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना कि हमें सेमेस्टर्स में अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता। सेमेस्टर वन में ये सब चीजें पढ़नी थी मार्क्सिज्म के बारे में, वहां भी आपने नहीं पढ़ा। सेमेस्टर थ्री में, और आपकी गलती नहीं है, गलती तो मैनेजमेंट की है और कॉलेजेस की है, मैं जान रहा हूँ इस चीज को। उसके बाद सेमेस्टर थ्री में कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स में आपको कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ना है, मैंने वीडियो बना रखा है। इसी में आपको रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म के बारे में अर्थात मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ना है, वीडियो बना रखा है। ये सब भी जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से नहीं बताए जाते, यही प्रॉब्लम है कि आप सब समझ नहीं पाते। तो इसीलिए सबसे पहले हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के वीडियो को आप देख कर आइए। देखिए, सिलेबस देखिएगा ना, तो लिखा हुआ है सिलेबस में मार्क्सिस्ट अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशन। मतलब आपको क्लासिकल मार्क्सिज्म के बारे में भी पढ़ना है, क्लासिकल मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन, और आपको नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना है। दो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, क्लासिकल मार्क्सिस्ट अप्रोच है और दूसरा नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच है। बहुत सारे वीडियो पे कमेंट आ रहे थे, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पे वीडियो बनाइए, डिपेंडेंसी थ्योरी पे वीडियो बनाइए, मॉडर्न थ्योरी पे वीडियो बनाइए। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि नियो मार्क्सिज्म में ही ये सब इंक्लूड होते हैं। नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच को समझाने के लिए ये सब थ्योरीज दी गई है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए। और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के जो जनक है, जो उसके फादर है, जो प्रोपाउंडर है, जो कि इमैनुअल वैलरस्टीन है, वो एक नियो मार्क्सिस्ट है और उनको नियो मार्क्सिज्म का जनक माना जाता है। तो ये जो थ्योरीज है ना, दीज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द नियो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। एंड व्हेन आई विल मेक द वीडियो ऑन नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन, आई विल इंक्लूड दिस थ्योरीज। सो आपको चीजों को तोड़ के नहीं पढ़ना, आपको चीजों को एक तरह से कॉम्प्रिहेंड करके पढ़ना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप समझ गए होंगे। आज हम क्लासिकल मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, क्लासिकल मार्क्सिस्ट अप्रोच पे आप देखिएगा कि कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिक एंजल्स होते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पे अपनी कोई थ्योरी नहीं दी, इंटरनेशनल रिलेशन पे ज्यादा जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके जो राइटिंग्स है ना, उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे इंस्पायर होकर, उनसे हेल्प लेकर जो फ्यूचर के जो मार्क्सिस्ट हुए कार्ल मार्क्स के बाद, फ्रेडरिक एंजल्स के बाद, जैसे लेनिन, सबसे इंपॉर्टेंट, तो लेनिन ने सबसे पहली बार इंटरनेशनल रिलेशन का मार्क्सिस्ट व्यू दिया था, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान है, आप उसको मार्क्सिज्म से तुलना कीजिएगा और फिर उसके बाद देखिएगा तो आसानी से समझ में आएगा। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं जाके हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का आप लोग वीडियो देखकर आ जाइए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में, इतिहास में भी आप देखिएगा तो अलग अलग समाज, अलग अलग वर्गों में डिवाइडेड था। सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि मार्क्सिस्ट अप्रोच जो होता है ना, वह किसी भी फील्ड में आप अप्लाई कीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन की बात छोड़ दें और भी कोई फील्ड में अप्लाई कीजिए, तो उसमें तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आप कॉपी में लिखिए। इकोनॉमिक डिटरमिनेशन पहला, दूसरा इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन। इसी तीन चीजों के मदद से हर एक चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं जो मार्क्सिस्ट होते हैं, ठीक है? एक चीज और आप ध्यान रखिए कि मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग इकोनॉमी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वालिटी, अर्थात जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, जो आर्थिक स्थिति है, वह अधिक इंपॉर्टेंट है, अधिक महत्वपूर्ण है अगर हम तुलना करें राजनीतिक स्थिति से या राजनीति से। तो ये लोग मानते हैं कि इकोनॉमिक्स डोमिनेट करता है ओवर पॉलिटी।
अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होगा तो आपका पॉलिटिक्स भी चेंज हो जाएगा। अर्थात ये सभी चीजों का इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन करते हैं। हमने रियलिज्म के बारे में पढ़ा, हम लिबरलिज्म पढ़ेंगे। इन सब चीजों को आप देखिएगा ना, तो ये लोग पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का, बट मार्क्सिज्म प्रोवाइड अस द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, उसके बाद मैंने आपको लेवल ऑफ एनालिसिस वाले वीडियो में बताया था कि तीन लेवल ऑफ एनालिसिस के अलावा भी और भी कई लेवल पे एनालिसिस किया जा सकता है, विच आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। यहाँ हम चौथे लेवल के बारे में देखेंगे। मैंने बताया था कि स्टेट लेवल पे एनालिसिस करते हैं रियलिस्ट लोग, उनके लिए स्टेट इंपॉर्टेंट है। नियो रियलिस्ट जो होते हैं वह इंटरनेशनल लेवल पर एनालिसिस करते हैं, और जो आपके लिबरलिस्ट होते हैं वह इंडिविजुअल लेवल पर एनालिसिस करते हैं। बट कार्ल मार्क्स के जो सपोर्टर्स हैं, जो हमारे सामने मार्क्सिस्ट अप्रोच को प्रस्तुत कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मार्क्सवादी सिद्धांतों को, उनका मानना है कार्ल मार्क्स के तरह ही कि जो समाज में वर्ग है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशन को समझाने के लिए मार्क्सिस्ट कहते हैं कि अगर हमें अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझना है तो हमें वर्गों को देखना पड़ेगा, समाज में मौजूद वर्गों के बारे में पढ़कर उन्हें समझकर हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझ पाएंगे। इसीलिए इन लोगों का लेवल ऑफ एनालिसिस क्या है, क्लास। दे आर एनालाइजिंग द इंटरनेशनल रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास, वर्ग जो कि समाज में होते हैं। अब देखिए क्लास स्ट्रगल का थ्योरी क्या है। तो जब लेनिन इंटरनेशनल रिलेशन का जब इंटरप्रिटेशन कर रहे थे तो उस समय तो वैसे तो कार्ल मार्क्स ने आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में मैंने बताया है हिस्ट्री में पॉइंट ऑफ टाइम में अलग अलग क्लासेस रहे हैं, मास्टर स्लेव रहा, लॉर्ड सब्स का क्लास रहा, फिर उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद बुर्जुआज क्लास और प्रोलेटेरियट क्लास में बटा हुआ था जो समाज था। बुर्जुआज मजबूत हुआ करते थे, इनके पास कैपिटल हुआ करता था, पूंजी हुआ करता था, इन्हें हैप्स कहा जाता है। ये डोमिनेंट क्लास हुआ करते थे, इनके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन हुआ करता था। और जो प्रोलेटेरियट क्लास है, प्रोलेटेरियट क्लास जिसे हम सर्वहारा के नाम से जानते हैं, वर्कर क्लास, ये हैप्स नॉट थे और ये डिपेंडेंट थे ऑन द बुर्जुआज क्लास, इनके पास कोई पूंजी ये सब नहीं था। आप देख सकते हैं समाज में इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन को ही देखता है मार्क्सिस्ट लोग। साथ ही साथ एक्सप्लॉयटेशन भी आप देख सकते हैं, एविडेंट है, बुर्जुआज जो थे वह एक्सप्लॉयट करते थे प्रोलेटेरियट लोग को। ठीक है, ये चीज यहां तक आप समझिए। अब ये दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता था, हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट होता था। जो बुर्जुआज है वो अपना स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाहेगा, उसकी जो स्थिति है समाज में चाहेगा कि हम अमीर ही बने रहे, हमारे पास पूंजी रहे, और प्रोलेटेरियट जो है वह चाहेगा कि हम अपने कंडीशन को चेंज कर ले समाज में, हम बुर्जुआज की तरह बने, हम अपने स्थिति को बदले, हम अपने गरीबी से बाहर निकले। तो इन दोनों के बीच में क्लास स्ट्रगल होगा, वर्ग संघर्ष होगा, क्योंकि दोनों के जो विचार हैं बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, बिल्कुल विरोधाभासी हैं। ये इनको सप्रेस करेंगे बुर्जुआज, और ये इनको उखाड़ फेंकना चाहेंगे। ठीक है, और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के थ्योरी में कार्ल मार्क्स बताते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि बुर्जुआज के एक्सप्लॉयटेशन से तंग हो जाएंगे जो प्रोलेटेरियट होंगे, और जो सर्वहारा होंगे वह क्रांति कर देंगे, प्लोरिटेरियट रेवोल्यूशन हो जाएगा, और प्लोरिटेरियट जो है वह उखाड़ फेंकेंगे बुर्जुआज को और एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी का स्थापना करेंगे, जहां राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज का, जहां इक्वालिटी होगा, जहां एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज आप देखिएगा, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि स्टेटलेस सोसाइटी का हम स्थापना करेंगे, राज्य विहीन। इसका मतलब वह स्टेट को एक इविल मानते हैं, वह स्टेट को बहुत खराब मानते हैं, इवेल का तो छोड़िए, स्टेट को वह राक्षस के नाम से संबोधित करते हैं कार्ल मार्क्स। तो ऐसा वह क्यों बोलते हैं, तो मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ स्टेट देखिएगा, तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि ये जो स्टेट है, जो राज्य हम देख रहे हैं, इसे बुर्जुआज ने बनाया है, इसे पूंजीपतियों ने बनाया है अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि
एक समय जब इनके पास पैसा आ गया तो इनको चिंता सताने लगी कि अब हमको सिक्योरिटी कौन देगा, अब हम अपने पैसे को कैसे बचा के रखेंगे। तो इसके लिए इन्होंने राज्य का निर्माण करा दिया और इसी राज्य के निर्माण से ही अपने पूंजी को बढ़ाते जाते हैं और यही राज्य इनका मदद करता है कानून बनाकर, जो कि ढोंग है प्लोरिटेरिएट को एक्सप्लॉइट करने के लिए। और प्लोरिटेरिएट को एक्सप्लॉयटेशन में राज्य सबसे अधिक सहायता करता है। एंड स्टेट इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बुर्जुआ क्लास। राज्य कुछ भी नहीं बल्कि जो बुर्जुआ वर्ग है उसी का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका मतलब वह राज्य के अस्तित्व को ही नकार देते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन में भी वह यही करेंगे जो मार्क्सिस्ट अप्रोच वाले रहेंगे, वह राज्य को ही खत्म कर देना चाहेंगे। उनका मानना है कि जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, ये राज्य के चलते ही होता है, जो वार हो रहा है। अगर आपको इंटरनेशनल पीस को कायम करना है तो आपको राज्य को ही समाप्त कर देना पड़ेगा। आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को। और जब राज्य समाप्त हो जाएगा तो फिर तो इंटरनेशनल रिलेशन का तो फिर अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन करते ही ऐसा ही है। अब देखिए इनका क्या मानना है। इनका मानना है कि हमें अगर इक्वालिटी समाज में स्थापित करना है, इस क्लास स्ट्रगल को समाप्त करना है, तो हमें कैपिटल को, हमें कैपिटलिस्ट क्लास को समाप्त करना होगा, हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त करना होगा, यही मानते हैं ना। और जो इंपीरियलिज्म है, जो उस समय के देश प्रैक्टिस कर रहे थे, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। जो ये साम्राज्यवाद है, यह मतलब हाईएस्ट फॉर्म है पूंजीवाद का, और यह पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो यह साम्राज्यवाद को भी समाप्त करना चाहेंगे। और ये स्टेटमेंट लेनिन ने दिया था। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब देखिए यहां लेनिन बताते हैं हमें कि जिस प्रकार से समाज दो हिस्सों में विभाजित है, दो वर्गों में विभाजित है, प्लूरिटेरिएट और बुर्जुआज, उसी प्रकार से आप दुनिया को भी देखिएगा, दुनिया के देशों को, तो वह भी दो वर्गों में विभाजित है। एक तरफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज है जो कि हैप्स है, जो कि स्ट्रॉन्ग है, जिनके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी है, और एक तरफ हैप्स नॉट है, अर्थात डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, डिपेंडेंट कंट्रीज विच डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड द एनी थिंग लाइक दैट। तो ये दो तरह के देश है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करते हैं लेनिन जो होते हैं। अब आप सोचेंगे कि युद्ध कैसे होगा देशों के बीच में, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री है वो अपना स्टेटस को मेंटेन करना चाहेगा कि मजबूत ही बने रहे, और जो कमजोर देश रहेंगे वह चाहेंगे कि हम थोड़ा मजबूत बने। तो दोनों के बीच में संघर्ष होगा और दोनों में लड़ाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब लेनिन इस थ्योरी को लिख रहे होते हैं तो उस समय जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वह इतने कमजोर होते हैं, कि वह बुर्जुआज को चैलेंज ही ना कर पाए, मतलब कैपिटलिस्ट कंट्रीज को चैलेंज ही ना कर पाए। इसीलिए आप देखिएगा कि लेनिन बोलते हैं कि युद्ध इसलिए नहीं होता क्योंकि कैपिटलिस्ट और जो नॉन कैपिटलिस्ट है, मतलब जो पुअर कंट्री है और रिच कंट्रीज है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, इस चलते युद्ध नहीं होता। युद्ध इसलिए होता है क्योंकि आपस में कैपिटलिस्ट कंट्रीज ही कंपीट करते हैं। जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्री है वह कंपीट करते हैं आपस में कि वह ज्यादा मजबूत बने, क्योंकि अभी तक तो जो पुअर कंट्रीज है इस अवस्था में ही नहीं आए कि वह रिच कंट्रीज को चैलेंज कर पाए। इसीलिए युद्ध का क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, एंड इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन। इट इज एक्सप्लेनिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन। एंड अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मार्क्सिस्ट, व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज कॉम्पिटिशन विद इन द कैपिटलिस्ट कंट्रीज, विद इन द हैप्स, द जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कॉम्पिटिशन बिटवीन देम, उनके बीच में जो प्रतिद्वंदिता हो रही थी, वही कारण है युद्ध का, वही कारण है संघर्ष का जो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं।
प्रथम विश्व युद्ध इसी का एक उदाहरण था। जो हैप्स थे, जो कैपिटलिस्ट कंट्री थे, उन्होंने आपस में कॉम्पीट किया, सबके सब इंपीरियलिज्म को फॉलो कर रहे थे, सबके सब साम्राज्यवाद की नीति को अपना रहे थे, सबके सब चाह रहे थे कि हमारे उपनिवेश अधिक हो। जर्मनी चाहता था कि हम अधिक से अधिक उपनिवेश बनाए, ब्रिटेन चाहता था कि हम अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखें, हमारे जितने भी उपनिवेश थे हमारे पास रहे। अमेरिका रेस में आ गया, हम भी उपनिवेश बनाएंगे 19th और 20th सेंचुरी में, और इसी के कारण क्या हुआ, युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। अब आप ये बताइए कि इन देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के कारण युद्ध हुआ, तो ये युद्ध को कैसे रोका जा सकता है? तो ये युद्ध को रोका तब जा सकता है कि जब इन स्टेट को ही समाप्त कर दिया जाए एक तरह से, ना रहेगा कैपिटलिस्ट कंट्री और ना होगा युद्ध, हो जाएगा कॉपरेशन का स्थिति। यही चीज है ना। अब किस तरह से हम लोग कॉपरेशन को स्थापित करेंगे, किस तरह से हम लोग स्टेट को समाप्त करेंगे, उसके लिए जिस तरह से प्लूरिटेरिएट रेवोल्यूशन करके बुर्जुआज को समाप्त करने की बात कर रहे थे, उसी तरह से लेनिन कहते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा की क्रांति होगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और वो जो इंटरनेशनल लेवल पर सर्वहारा की क्रांति होगी वह राज्यों को समाप्त कर देगा, और जब राज्य समाप्त हो जाएंगे तो फिर हमें एक पीसफुल वर्ल्ड मिलेगा। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन का जो प्लोरिटेरिएट होगा, ब्रिटेन का जो वर्कर होगा और जो जर्मनी का वर्कर होगा, वह एक क्यों होगा? क्या अपना लॉयलिटी नहीं दिखाएगा अपने कंट्री के प्रति? वो लोग ऐसा क्यों करेंगे कि जर्मनी का वर्कर, ब्रिटेन का वर्कर, फ्रांस का वर्कर सब एक साथ मिल जाएंगे और मिलके अपना ही अपना देश को समाप्त कर देंगे, ऐसा क्यों होगा? तो इसका जवाब देते हैं, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो हम कैपिटलिस्ट कंट्री बोल रहे हैं ना, ये कैपिटलिस्ट कंट्री प्लूरिटेरिएट का है ही नहीं, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट कंट्री जो है या फिर नॉन कैपिटलिस्ट जितने भी राज्य हैं, सब तो कैपिटलिस्टों ने बनाए हैं, बुर्जुआज ने बनाए हैं और अपने हितों को साधने के लिए बनाए हैं, और इसी राज्य के माध्यम से, इसी स्टेट के माध्यम से जो कैपिटलिस्ट होते हैं वह अपने देश के अंदर भी जो वर्कर क्लास है उनको सप्रेस करते हैं। यहाँ थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल में आप देखिए सप्रेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे को भी सप्रेस कर रहे हैं। कैपिटलिस्ट कंट्री जो गरीब देश है, जो नॉन कैपिटलिस्ट है, उनको भी सप्रेस कर रहे हैं और आपस में भी सप्रेस करने के लिए, माने जर्मनी और ब्रिटेन जो है ये जर्मनी के कैपिटलिस्ट के देन है, ये जो कंट्री है जर्मनी, और ब्रिटेन जो है वह ब्रिटेन के कैपिटलिस्ट का देन है। और इसमें तो कोई भी वर्कर है, जर्मनी का वर्कर हो या ब्रिटेन का वर्कर हो, उसका हित नहीं छुपा हुआ है। जर्मनी में देख लो या ब्रिटेन में देख लो, दोनों जगह वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, ऐसा लेनिन कहते हैं। और साथ ही साथ देखिएगा कि ये अपने देश में तो प्लोरिटेरिएट लोग का एक्सप्लॉयटेशन कर ही रहे हैं, प्लस में ये जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, जो वीकर कंट्रीज हैं, जो हैप्स नॉट है, जैसे में कॉलोनीज इंडिया, इंडोनेशिया और भी अफ्रीकन कॉलोनीज, उनका भी शोषण कर रहे हैं। तो ये जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, ये जो बुर्जुआज से जिनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये अपने देश में भी प्लोरिटेरिएट का शोषण करते हैं, आपस में भी कॉम्पीट करते हैं जिसके कारण से युद्ध हो जाता है, और जो इनसे कमजोर देश है उनका भी शोषण कर रहे हैं। इनसे जो कमजोर देश है उनका औकात नहीं है कि इनको चैलेंज कर पाए। तो आखिर इसको कैसे समाप्त किया जाए? अब इंडिया तो उस समय चैलेंज नहीं करता है ब्रिटेन को, जर्मनी को कर पाता है, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश उस समय आजाद ही नहीं हुआ था, तो कैसे वो लोग चैलेंज करेगा कि चलो हटा दो ब्रिटेन को यहां से? इस चीज को आप समझिए। तो बोलते हैं कि अगर ब्रिटेन, जर्मनी ये सब को आपको समाप्त करना है सबसे पहले, और साथ ही साथ और भी जो भी कंट्रीज है सबको समाप्त करो, ऐसा नहीं कि कैपिटलिस्ट को समाप्त कर दो, नॉन कैपिटलिस्ट को समाप्त कर दो, वो बोलते हैं क्लासलेस सोसाइटी का बात, वो नहीं बोलते हैं कि प्लोरिटेरिएट लोग बुर्जुआज को हटा के इसको भी प्लोरिटेरिएट बना देगा ना, वर्ग ही नहीं रहेगा,
सब एक बराबर रहेंगे, क्लास ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब किस प्रकार से सभी राज्यों को समाप्त किया जाए, इसके लिए वह बात करते हैं कि जिस प्रकार से एक समाज में बुर्जुआज को समाप्त करने के लिए प्रोलेटेरियट रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सर्वहारा की क्रांति की, उसी प्रकार से हमें अगर यहां कैपिटलिज्म को इंटरनेशनल लेवल पे कैपिटलिज्म को समाप्त करना है, अर्थात इन राज्यों को समाप्त करना है और भी जो राज्य है दोनों क्लासेस को अगर समाप्त कर देना है और इक्वालिटी अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर एस्टैब्लिश कर देना है जिसके कारण युद्ध ना हो, तो हमें एक चीज करना पड़ेगा, हमें इंपीरियलिज्म को उसके लिए समाप्त करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे? तो भाई इंटरनेशनल लेवल पर सर्वहारा की क्रांति होगी, ठीक है। प्लोरिटेरिएट इंटरनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयवाद। तो इस चीज को हम समझते हैं कि आखिर जर्मनी का सर्वहारा, ब्रिटेन का सर्वहारा, भारत का सर्वहारा, पूरे विश्व का सर्वहारा एक क्यों होगा और अपने ही अपने देश को समाप्त कर देना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये देश हमारा नहीं है, ये देश का जो स्ट्रक्चर है, ये जो ढांचा है, ये तो हम एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाया गया है और ये कैपिटलिस्टों ने बनाया है, तो ये कैपिटलिस्टों का है, ये जो हम एक संरचना देख रहे हैं जिसे हम राज्य कहते हैं। और दूसरा, जितने भी सर्वहारा है सबके हित एक है और सबके लक्ष्य एक है, शोषण को समाप्त करना, दो वक्त के रोटी को कमाना, सबके हित एक है, वो भारत का सर्वहारा हो, जर्मनी का हो, ब्रिटेन का हो, फ्रांस का हो, नो मैटर कहीं का हो, लेनिन का कहना है, इसीलिए वह एक साथ होंगे, यूनाइट होंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक क्रांति लाएंगे। और जब प्लोरिटेरिएट इंटरनेशनलिज्म होगा, जब क्रांति होगी सर्वहारा की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तब ये जितने भी राज्य हैं, वेदर दीज आर द कैपिटलिस्ट स्टेट लाइक जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएस, और दीज आर नॉन कैपिटलिस्ट स्टेट और द पुअर स्टेट्स लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, विच आर द कॉलोनीज, क्योंकि उस समय कॉलोनी था ना जब लेनिन इसको लिख रहे थे, तो सबको समाप्त कर देंगे ये इंटरनेशनल प्लोरिटेरिएट जो होंगे, प्लोरिटेरिएट इंटरनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है। और जब साइमल्टेनियसली दो रेवोल्यूशन होगा, एक तो प्लोरिटेरिएट रेवोल्यूशन होगा समाजों के अंदर, उसके उससे क्या होगा कि समाजों के अंदर वर्ग विहीनता आ जाएगी, क्लासलेस सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एकजुट होंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य पूरे विश्व से शोषण को मिटाना है, ऐसा लेनिन कहते हैं, हमारा लक्ष्य समाज से सिर्फ शोषण को नहीं मिटाना है, हमारा लक्ष्य उस शोषण को भी मिटाना है जो शोषण ये कैपिटलिस्ट कंट्री कर रहे हैं, एक राज्य दूसरे राज्य का शोषण कर रहा है, ये शोषण को भी हमें मिटाना है। और अंतिम में सभी राज्य, अंतिम में सभी क्रांति करेंगे, अपने इंटरनली भी क्रांति करेंगे, जहां कैपिटलिस्ट को समाप्त कर देंगे एक साथ आके, पूरे विश्व में भी क्रांति करेंगे, जहां सब राज्य समाप्त हो जाएंगे, स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा और इंटरनेशनल पीस आ जाएगा। और ये इंटरनेशनल पीस एवर लास्टिंग होगा, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला, और इंटरनेशनल कम्युनिज्म, अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी, ऐसा लेनिन मानते हैं। तो यही कुल मिला के थ्योरी है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझाया गया, कॉपरेशन कैसे एस्टेब्लिश किया उसके बारे में समझाया गया, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो जो नियो मार्क्सिज्म होगा ना, वह रियालिटी को पहले तो एक्सेप्ट करेगा। लेनिन कह रहे हैं कि राज्य ही समाप्त हो जाएगा, लेनिन कहते हैं कि प्लोरिटेरिएट रेवोल्यूशन होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन प्लोरिटेरिएट रेवोल्यूशन तो हुआ ही नहीं। अरे अंतरराष्ट्रीय स्तर की तो बात छोड़ दें, प्लोरिटेरिएट रेवोल्यूशन तो जहां जहां कार्ल मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया था वहां भी नहीं हुआ। कार्ल मार्क्स ने बोला था कि जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज कंट्री रहेंगे वहां पे प्लोरिटेरिएट रेवोल्यूशन होगा, नहीं हुआ ब्रिटेन में, फ्रांस और जर्मनी में। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ब्रिटेन और जर्मनी में होगा, नहीं हुआ। उसके उलट आप देखिएगा कि रशिया में हो जाता है प्लोरिटेरिएट रेवोल्यूशन,
जो कि लेस डेवलप्ड होता है एज कम्पेयर टू, लेस इंडस्ट्रियलाइज होता है एज कम्पेयर टू जर्मनी एंड ब्रिटेन। तो जो बात बोल रहे हैं लेनिन, ये तो हुआ ही नहीं। हाँ ठीक है, ये जो बांट के वो देखे हैं हैप्स और हैप्स नॉट में पूरी दुनिया को, वो सही है, इस चीज को वह भी एक्सेप्ट करेंगे, नियो मार्क्सिस्ट भी। लेकिन नियो मार्क्सिस्ट ये भी एक्सेप्ट करेंगे कि सर्वहारा की अंतरराष्ट्रीय क्रांति नहीं हुई, प्लोरिटेरियट रेवोल्यूशन एट इंटरनेशनल लेवल डिडंट हैपन, इट विल बी ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय द नियो मार्क्सिस्ट। दूसरा बात ये भी एक्सेप्ट करेंगे जो कि कहते हैं, जो मार्क्सिस्ट होते हैं क्लासिकल मार्क्सिस्ट, कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, जो ये रेवोल्यूशन है वह होकर रहेगा, तो ऐसा तो हुआ नहीं, तो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा ये बोलते हैं कि स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी होगी, तो ये जो है ना, ये स्टेट को भी रिकॉग्नाइज करेंगे, बोलेंगे नो नो, स्टेट इज द रियलिटी ऑफ द 20th सेंचुरी, इट कैन नॉट हैपन दैट देयर शुड बी सोसाइटी विदाउट द स्टेट, विदाउट द क्लास। स्टेट इज द रियलिटी ऑफ टूडे, वी कैन नॉट रिमूव स्टेट, वी कैन नॉट जस्ट विदर देम, हम लोग उसको समाप्त नहीं कर सकते, ये चीज को एक्सेप्ट करेंगे नियो मार्क्सिस्ट ये सब चीजों को। लेकिन उनका भी एक ही आपका बेसिक फीचर होगा जो सब मार्क्सिस्ट का होता है, इकोनॉमिक्स को ज्यादा महत्व देंगे, इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन, इन दोनों को दिखाएंगे। और यहाँ पे वह नहीं बोलेंगे कि युद्ध कैसे होता है, पीस कैसे कायम किया जाता है, वह सिर्फ फॉरेन पॉलिसी पर जोर देंगे, फॉरेन पॉलिसी, इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे नियो मार्क्सिस्ट के वीडियोस में। और नियो मार्क्सिज्म में वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, ये सबको भी पढ़ेंगे। तो यही सब चीज जो हम अभी बताए आपको ना, यही सब चीज का नोट्स है यहाँ पे। अजम्पशन देख लीजिए आप, इकोनॉमिक एंड मटेरियलिस्टिक डिटरमिनेशन प्रोवाइड द क्लू टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल रिलेशन। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन को समझना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स पर जोर दीजिए। द सेंट्रैलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल इज एविडेंट इन द इंटरनेशनल रिलेशन। जो वर्ग और वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी देखा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से वर्ग संघर्ष आपको देखने को मिलता है, आपस में ही लड़ते हैं दोनों कैपिटलिस्ट जो होते हैं, ठीक है। कैपिटलिस्ट स्टेट जो है वह इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और पॉलिटिकल सब्जुगेशन करते हैं वीकर स्टेट्स का, मैंने बताया ही किस तरह से कॉलोनीज को पॉलिटिकली सब्जुगेट कर रहे थे, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट कर रहे थे जो कैपिटलिस्ट स्टेट होते हैं। क्लास का यह मानना है कि उन्हें दो क्लास में बटा हुआ है, यही चीज लिखा हुआ है। युद्ध क्यों होता है, तो युद्ध होता है कैपिटलिस्ट कंट्री के बीच में क्लैश के कारण, वह आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने के लिए कि हम ज्यादा शक्तिशाली बनेंगे। ब्रिटेन वहां कहे बनेगा शक्तिशाली, जर्मनी बनेगा, हिटलर तो समय था नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जो वहां के राजा थे युद्ध कर बैठे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में जर्मनी के राजा का क्या नाम था, ठीक है। प्लोरिटेरियट और वर्किंग क्लास शुड यूनाइट, अब यहाँ पे वही प्लोरिटेरियन इंटरनेशनलिज्म की बात कर रहे हैं कि जो प्लोरिटेरियट और वर्किंग क्लास है वह ग्लोबली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर ऑर्गेनाइज हो और वह एक वर्ल्ड रेवोल्यूशन को लीड करे। अब क्यों करेगा मैंने ये भी बता दिया, क्योंकि हित सबके सेम है इसलिए सब यूनाइट हो, ठीक है। और लास्टिंग पीस एस्टैब्लिश कब होगा, किस प्रकार शांति स्थापित होगी, तो जब विश्व क्रांति होगी उसके बाद, क्योंकि विश्व क्रांति के बाद कैपिटलिज्म कोलैप्स कर जाएगा, इंपीरियलिज्म कोलैप्स कर जाएगा, है ना, इंपीरियलिज्म कोलैप्स कर जाएगा तो कॉलोनियलिज्म खत्म हो जाएगा, कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगा, तो जब स्टेट ही नहीं रहेंगे तो आपस में कंपीट कैसे करके लड़ेंगे, पीस आ जाएगा ना, तो वही चीज है, इस तरह से पढ़ा और समझा जाता है चीजों को। अब प्रोफेसर अरुण बोस है, यह मार्क्सिज्म जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का उसको एनालाइज करते हैं और उसके चार बेसिक फीचर देते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स देते हैं, जिसके बारे में हमने चीख चीख कर आपको बहुत बार बता दिया।
प्लोरिटेरिएट इंटरनेशनलिज्म के बारे में, यूनिटी ऑफ वर्किंग क्लास एट इंटरनेशनल लेवल बता दिए हैं, प्लोरिटेरिएट हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, उनका एक समान हित है जो कि हर एक नेशनैलिटी, जो भी नेशनैलिटी है वह जर्मन है, ब्रिटिश है, इंडियन है, कोई मतलब नहीं, नेशनैलिटी से समान हित है उनका, ठीक है। पहला चीज, वर्किंग मैन हैव नो कंट्री सिंस द, जो काम करने वाले जो श्रमिक है, जो सर्वहारा है, उनका कोई देश नहीं है, ठीक है। सिंस द प्लोरिटेरिएट ऑफ ईच कंट्री मस्ट फर्स्ट एक्वायर द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, इसीलिए पहले अपना अपना देश में सब सर्वहारा की क्रांति करें और डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट को स्थापित करें। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म देखिए क्या कर, ठीक है, पहले अपना अपना देश में सब स्टैब्लिश कर लेगा, जर्मनी में किसका कंट्रोल रहेगा एक समय में, प्लोरिटेरिएट लोग का, ठीक है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट, हर एक जगह ये लोग ऐसी कर लेगा और एक ऐसा समय आएगा कि छोड़ देगा, राज्य को खत्म कर देगा, ठीक है। जब वो लोग क्रांति करेगा विश्व स्तर पर साथ में मिल जाएगा, और क्रांति करने का मतलब लड़ाई झगड़ा करना नहीं होता है, क्रांति का मतलब होता है अचानक से एक रैपिड चेंज करना, एक रेवोल्यूशनरी चेंज करना समाज में, उसको क्रांति कहा जाता है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि क्रांति में लड़ाई ये झगड़ा होता है हमेशा, तो यही चीज है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के वीडियो को देखिए, सबसे पहले अपने अपने देश में वो कैपिटलिज्म को समाप्त करेंगे, फिर पूरे विश्व में एक साथ आकर कैपिटलिज्म को समाप्त कर देंगे, ठीक है, सॉरी कैपिटलिज्म को नहीं, पूरे स्टेट को ही समाप्त कर देंगे, क्योंकि सबका हित एक है, नेशनैलिटी जो भी हो। यूनिट एक्शन माने एक साथ मिलकर, प्लोरिटेरिएट इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द प्लोरिटेरिएट, अगर सर्वहारा मुक्ति चाहते हैं तो सभी सर्वहारा को, जितने भी देश के अलग अलग नेशनैलिटी के, सबको एक साथ आना पड़ेगा, यही एकमात्र जरिया है, स्थिति है जिसमें उन्हें मुक्ति मिलेगी। Just as exploitation by one individual by another is put to an end, जैसे एक व्यक्ति का माने कैपिटलिस्ट का जो प्लोरिटेरिएट एक्सप्लॉयटेशन करता है इसको समाप्त करने की जरूरत है, उसी तरह से जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है एक देश का दूसरे देश के द्वारा उसको भी समाप्त करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सब हम सब बता दिए है, पूरा कॉन्सेप्ट प्लोरिटेरिएट इंटरनेशनलिज्म हो गया। एंटी इंपीरियलिज्म बोलते हैं कि जो आपका एंटी इंपीरियलिज्म मतलब इंपीरियलिज्म का पॉलिसी अपना रहा था ना जर्मनी ब्रिटेन लोग, ज्यादा से ज्यादा कॉलोनी एस्टेब्लिश करेंगे, साम्राज्यवाद, ठीक ना, यही चीज है, पॉलिसी होता है जिसमें चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी का, आप देखिएगा ना वीडियो बना के रखे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तो वही चीज है कि ओवरथ्रो करना चाहता है इंपीरियलिज्म को और स्प्रेड करना चाहता है सोशलिज्म को। तो ये जो मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन है उसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि एंटी इंपीरियलिस्ट है, एंटी इंपीरियलिस्ट है तब ना इंपीरियलिज्म को समाप्त करेगा तो कोलोनियलिज्म समाप्त होगा, कोलोनियलिज्म समाप्त होगा तो जो पॉलिटिकल सब्जुगेशन है, जो हैप्स कंट्री हैप्स नॉट को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं वो समाप्त होगा, और लास्ट में जब वर्ल्ड रेवोल्यूशन होगा इंटरनेशनल लेवल पर, जब प्लोरिटेरिएट रेवोल्यूशन करेंगे तो फिर स्टेट ही समाप्त हो जाएगा, जब स्टेट समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग पीस हो जाएगा। सेल्फ डिटर्मिनेशन, हर एक कंट्री को, हर एक सोसाइटी को, यहाँ कंट्री का बात नहीं कर रहे, सोसाइटी का बात कर रहे, ठीक है, वो कंट्री को नहीं मानते हैं सोसाइटी को, कि हर एक सोसाइटी को, हर एक नेशन, नेशन माने कंट्री, स्टेट नहीं होता है जी, नेशन माने ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है, जो आपस में बिलोंगिंग फील करता है, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़िएगा। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसको अगर हम डिटेल में समझाएंगे तो बाकी चीज आप मिक्सअप कर जाएंगे, ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए, इसको समझाने के चक्कर में पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन की, जितने भी प्लोरिटेरिएट है ना उनको अधिकार है कि वह अपना नियति खुद तय करे, इंडिया का प्लोरिटेरिएट का, जर्मनी का प्लोरिटेरिएट, कहीं का भी प्लोरिटेरिएट है, सबको अधिकार है कि वह अपना नियति स्वयं तय करे, और सबका नियति एक है, शोषण से मुक्त होना, और शोषण से मुक्त होने के लिए उसको कैपिटलिज्म को समाप्त करना पड़ेगा, और कैपिटलिज्म को समाप्त करना पड़ेगा तो पहले अपना घर में करेगा वो लोग रेवोल्यूशन, और उसके बाद एक साथ यूनाइट होके एक एनोनिमस डिसीजन लेगा और अंतिम में वर्ल्ड रेवोल्यूशन करेगा, क्रांति करेगा। अब मान लो कि जर्मनी में भी प्लोरिटेरिएट का शासन हो गया, डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट, इंडिया में भी, हर एक जगह पूरे दुनिया में,
क्योंकि सबसे पहले तो अपने अपने समाज में वो लोग करेगा प्रोलेटेरियट रेवोल्यूशन, सर्वहारा की क्रांति, जैसा कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कार्ल मार्क्स कहते हैं। अब इंडिया में भी प्रोलेटेरियट का शासन, जर्मनी में भी, तो सब अब वर्ल्ड लेवल पर यूनाइट हो जाएगा। वो लोग समझ लेगा कि ओ ये स्टेट वेस्टेट रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले भी वो लोग देखा ना कि कैपिटलिस्ट के लिए ही तो राज्य है, कॉमन लोगों के लिए राज्य नहीं है। उनके दिमाग में ये चीज आएगा कि जिस तरह से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए, उसी तरह से भाई एक देश दूसरे देश को भी एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए। चलो सभी प्लोरिटेरियट्स आ जाओ एक साथ, क्योंकि सब तो अपने अपने स्टेट पर शासन जमा के रखो ना कुछ समय के लिए। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म देखिए अच्छे से, मतलब क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो वर्ल्ड रेवोल्यूशन होगा, आपस में सब आएंगे, सहमति बनाएंगे कि राज्य को ही समाप्त कर दो। राज्य समाप्त होगा, लॉन्ग लास्टिंग पीस आ जाएगा। क्योंकि युद्ध क्यों होता है, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होते हैं, बड़े बड़े देश आपस में वही सब कॉम्पीट करते हैं, ऐसा मानना है क्लासिकल मार्क्सिस्ट लोग का। वही चीज है, मार्क्सिस्ट बिलीव दैट ऑल नेशन ऑफ वर्ल्ड मस्ट लिव इन पीसफुली, एंड इफ दे आर विलिंग टू लिव पीसफुली व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू एस्टैब्लिश द स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी एट द इंटरनेशनल लेवल। And when we are speaking that stateless and classless society at the international level, implicitly इसमें ये भी included है that जो अपने अपने समाज में भी वह stateless और classless society को establish करेंगे। फिर से हाथ जोड़कर request है, जरूर historical materialism के video को देखिए, अच्छे से ये concept को और समझिए। फिर से recap कर दे रहे हैं, दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, haves, haves not है, haves not countries है और haves countries है। उस समय colonialism का time था, तो imperialism जो है वो highest form of capitalism है। ठीक, युद्ध क्यों होता है, क्योंकि जो haves countries है, जो capitalist countries है, आपस में कौन सबसे ज्यादा colonies को control करेगा, उसके लिए compete करते हैं। युद्ध समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी देशों को, proletariat को एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ आकर उनको वर्ल्ड रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। इसको बोला गया आपको प्लोरिटेरियट इंटरनेशनलिज्म। वर्ल्ड रेवोल्यूशन करने के बाद स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, और जब स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी तो फिर एंटी इंपीरियलिज्म अप्रोच है, क्योंकि इंपीरियलिज्म का भी समाप्त हो जाएगा जब स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगा। सेल्फ डिटर्मिनेशन इसलिए क्योंकि हर एक जगह के प्लोरिटेरियट का अधिकार है अपने नियति को स्वयं चुनने का। तो यही सब चीज है सेल्फ डेस्टिनी को चुनने का। तो आसपास में आके वर्ल्ड रेवोल्यूशन करेंगे, स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे, राज्य ही नहीं होगा, तो आपस में जो अमीर अमीर देश है कम्पीट नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़े नहीं, लॉन्ग लास्टिंग पीस हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच, एंड इन नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच वी आर जस्ट फोकसिंग on the foreign policies. Neo-Marxist approach deals with the reality of the foreign policies which is being practiced in the 21st century. So we will see to that. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एकदम ठोक दीजिए दबा के, एकदम सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बढ़िया से पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए और पढ़िए, जिससे ज्ञान हो, नंबर लाने से भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आता है तो गूगल पे और फोन पे के मदद से सहायता कभी तो कर दिया कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।